इंसेक्ट्स के एग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? ग्रास ऑपर, क्रोकोड कॉकरोच, बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं अपने एग्स को एक अडल्ट में प्रोड्यूस? जो कॉकरोच का एग होता है उसमें से जब यंग वन बाहर निकलता है तो उसके क्या होते हैं? विंग्स नहीं होते। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? निफ बोलते हैं। जब कॉकरोच के एग में से अडल्ट बाहर निकलता है तो उसके विंग्स मतलब पंख नहीं होते, जिसको क्या बोलते हैं? निफ बोलते हैं। इट बिकम्स एन एडल्ट आफ्टर शील्डिंग शेडिंग इट्स ओल्ड स्किन। अब जो सेकंड स्टेज दिखाई हुई है ना, इसमें क्या है, ये अपनी पुरानी वाली स्किन के साथ है। ठीक है, जब अडल्ट हो जाएगा, अडल्ट होने के बाद ये अपनी ऊपर वाली स्किन को क्या है, निकाल देगा और क्या बन जाएगा, एक कॉकरोच बन जाएगा जिसके विंग्स भी होंगे और लेग्स भी होंगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माउंटिंग। दोबारा सुनो, ग्रास ऊपर, कॉकरोच, इनकी कितनी स्टेजेस होती है? थ्री स्टेजेस होती है। ठीक है, पहले एग में से यंग वन बाहर निकलता है, एग में से यंग वन बाहर निकलता है। ठीक है, उसके क्या होते हैं? विंग्स नहीं होते, उसको निफ बोलते हैं। थोड़े दिनों के बाद ये निफ क्या करते हैं, अपनी ओल्ड स्किन को उतार देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माउंटिंग बोलते हैं। आगे है बटरफ्लाई कैसे एक एग में से इस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाती है। अब बटरफ्लाई की फोर स्टेजेस होती है। ठीक है, सबसे पहले होता है एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। सबसे पहले होता है एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो एग में से जो भी निकलता है, ठीक है, एग में से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। ठीक है, द यंग वन विच हैचेस फ्रॉम एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। अब सीधा बटरफ्लाई नहीं बन जाती। ठीक है, फोर स्टेजेस होती हैं, सीधा बटरफ्लाई नहीं बनती, उसकी फोर स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है एग, एग में से निकलता है लार्वा, लार्वा बनता है प्यूपा, प्यूपा के बाद क्या है, एक अडल्ट बटरफ्लाई बनती है। ठीक है, अब जो एग में से यंग वन बाहर निकलता है वो अडल्ट से क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, ये एक कीड़े के जैसे होता है, एग के बाद जो निकलता है वो एक कीड़ा जैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं? लार्वा। अब लार्वा बटरफ्लाई के सभी सभी जो होते हैं ना इंसेक्ट्स, इनमें से जो कुछ एक होते हैं उनके लार्वा को उन उन सभी के लार्वा होते हैं, पर जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, इट फीड्स ऑन लीव्स, ये पत्तों के ऊपर रहता है और धीरे धीरे क्या है, रैपिडली मतलब फटाफट बड़ा होता है। समझ आया? सबसे पहले होता है एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा एंड अडल्ट। एग में से जो निकलता है उसको बोलते हैं लार्वा। ठीक है, बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं। ये लीव्स के ऊपर रहता है और फटाफट क्या है, ग्रो होता रहता है। आफ्टर सम टाइम इट कवर्स विथ कोकून। इसके आसपास क्या है, एक थ्रेड सा लिपटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोकून। इसको क्या बोलते हैं? प्यूपा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूपा। फिर कोकून क्या है, एक अडल्ट बटरफ्लाई में बन जाता है। ठीक है, इंसेक्ट्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज। जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने बेबीज को केयर नहीं करते। ठीक है।